नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल दास सलानिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्री फायर गेम के ऊपर और 53 ऐसे एप्लीकेशन जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। 53 ऐसे चाइनीज एप्लीकेशंस और फ्री फायर गेम्स, टोटल 54 गेम्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मन में कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। दोस्तों, जो क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, जैसे टेक्निकल गुरु जी, मनोज दे, ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। जैसे अपने यूट्यूब व्यूअर्स को बता रहे हैं कि ये फ्री फायर गेम चाइनीज था, लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये चाइनीज गेम नहीं था। फ्री फायर गेम सिंगापुर की गेम्स है और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी थ्रेट्स के वजह से बंद नहीं किया है, जबकि ये बड़े बड़े क्रिएटर बता रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से फ्री फायर को गेम को बंद किया गया है। दोस्तों, 54 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें 53 एप्लीकेशंस हैं चाइनीज, और ये जो फ्री फायर गेम है वो सिंगापुर की गेम्स है और इसे सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से बंद नहीं किया गया है। 53 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे ब्यूटी कैमरा, डुअल लॉक, एप लॉक, ये सब को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बंद कर दिया गया है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, फ्री फायर की बात है तो फ्री फायर की मैं कहानी आपको बता दूँ तो एक नेपाल के सांसद हैं जिन्होंने अपने संसद भवन में बोला था कि BGMI यानी कि पबजी और फ्री फायर गेम्स जैसे बच्चों के जीवन पर बुरा असर डाल रहे हैं और इन गेम्स को बंद करना चाहिए, और उन सांसद का शायद लाका नाम है। तो लाका जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उन्हें यह आग्रह किया कि BGMI और फ्री फायर गेम को, ऐसे गेम को बंद कर देना चाहिए ताकि बच्चे के जीवन पर बुरा असर न पड़ सके। तो इसलिए 53 ऐसे एप्लीकेशंस जो कि चाइनीज थे, जिन्हें सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से बंद कर दिया गया, और फ्री फायर गेम जो कि एक सिंगापुर का गेम्स है, उन्हें भी बंद कर दिया गया बच्चों के जीवन पर बुरा असर डालने की वजह से। दोस्तों, भविष्य में ऐसा भी हो सकता है जो BGMI बैटल ग्राउंड ऑफ मोबाइल इंडिया को भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी बच्चों के जीवन पर बुरा असर डाल रहा है, उनकी जीवनचर्या को अस्त व्यस्त कर दे रहा है। इसी वजह से फ्री फायर गेम को बंद कर दिया गया है, और फ्री फायर गेम अब आपको प्ले स्टोर और एप्स स्टोर पर नहीं मिलेगा। तो 53 ऐसे एप्लीकेशन जो कि चाइनीज थे, जिन्हें सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से बंद कर दिया गया, और एक ये फ्री फायर को बंद कर दिया गया है। तो बड़े बड़े क्रिएटर का कहना है कि सिक्योरिटी पर्पज़ और ये चाइनीज गेम्स था इसलिए फ्री फायर को बंद कर दिया गया, तो वे सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से बंद नहीं किया गया है और वो चाइनीज गेम्स नहीं था, वो सिंगापुर की गेम्स था। तो दोस्तों, मैं ये बस यही बताना चाहता था कि फ्री फायर गेम्स अब से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप दोस्तों, अगर फ्री फायर गेम का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप फ्री फायर मैक्स जो कि गेम अभी भी अवेलेबल है, आप उसे यूज कर सकते हैं और आप उसे खेल सकते हैं। और उसके अलावा एक और गेम BGMI जो कि पबजी इंडिया है, वो भी अभी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसे भी आप यूज कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।